हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अकाल ओमकारेश्वर। ये अपना रूम, कल हम जहाँ होटल में रुके थे भाई, आज दिन में देखो कैसा है ओमकारेश्वर। रात को तो बारिश हो गई यार यहाँ पे, हम तो मस्त फ्रेश हुए। अच्छा, जैसे हम यहाँ पे बॉनफायर कर रहे थे भाई, मैंने स्टोरी से डाल दी थी, वो यहाँ के लोकल भाइयों ने देख ली थी। तीन भाई थे, वो ऐसी भी 700 लेके आए थे। फिर हम बैठे आधे घंटे को बात करी, इतने बढ़िया। वो कह रहे भाई कल हम दिखाएंगे आपको ओमकारेश्वर। हमने कहा भाई जैसा आपको अच्छा लगे, वेरी गुड, हमें अच्छे से दिख जाए तो क्या ही दिक्कत है। थैंक यू जी, थैंक यू भैया। हर जगह यार ऐसे रहता है सिस्टम यार, मांगने खाने का मुझे समझ ही नहीं आता भाई। ये देखो आप जंगल, ये ऐसा जंगल है यहाँ हमारे होटल के सामने। इसमें गीदड़ वीदड़, मतलब इसमें प्रॉपर जानवर वानवर है, ब्लैक पैंथर वगैरह। और यहाँ पे टूरिज्म का बहुत तगड़ा काम है। 10 बज गए हैं भाइयों को, 9 बजे का हमने बोला था, फिर उनके कॉल आया, हम 10:30 बजे तो उठे ही हैं। शिट यार, चलो कोई बात नहीं भाई, अब जल्दी से फ्रेश फ्रेश होते हैं। नहाने का प्लान तो हमारा वहीं पे रिवर में ही, जाके ठंड लगे वहीं नर्मदा रिवर में। हमने कल रात को नहाते हुए देख लिए थे लोग बाग, तो हमने सोचा वहीं नहाएंगे। होटलों में तो रोज ही नहा लेते हैं भाइयों, है ना? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, एक बात बताओ। तो ब्रश व्रश करके पुफार होते हैं, भाइयों को बुलाते हैं और आज आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है जी। दिन में वो दिन में देखने वाली चीज़ है। तो भाई होटल से चेकआउट कर दिया है, भाई साहब आ चुके हैं हमारे पास। सुनाओ भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया अरुण भाई। पहले भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। मैं राघवेंद्र सिंह चौहान ओमकारेश्वर से। भाई साहब रात को हमसे मिलने आए थे, रात को तो एसयूवी लेके आए थे, अब थार लेके आए हैं। तो भाई साहब हैं यहाँ के अध्यक्ष, मतलब ट्रस्टी, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है ना, इनके सारे दो भाई भी, नाम बता दो भाई अपना एक बार। पृथ्वीराज सिंह चौहान। पृथ्वीराज सिंह चौहान। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई। तो अभी हम कहाँ जाने वाले हैं सर जी? अरुण भाई, सबसे पहले तो अपन नर्मदा स्नान करेंगे। नर्मदा स्नान के बाद ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। आप तो स्नान करके आए हो, आप नहीं करोगे? नहीं, आपके साथ फिर कर लेंगे, हम आपके साथ फिर स्नान कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है जी, डन। अच्छा, फिर वहाँ मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर आपको शंकराचार्य जी के स्टेचू भी विजिट कराएंगे आज हम। तो भाई साहब ना, ये मैनेजमेंट है भाई, यहाँ जो ट्रस्ट बोलते हैं ना जिसको, तो पूरे मंदिर का भाई साहब देखते हैं। भाई अब विदाउट प्लान घर से आएंगे ऐसी रात को कह के, एक आध दिन की तो ऐसे ही होगा। रात में 1 बजे चलेंगे तो लत्ते लाए नहीं, अब लत्ते खत्म हो गए। अब भाई लत्ते ले रहे हैं, देखो यहाँ पे सारा सारे लोग एक देखो। दिन में देखो भाई नजारे, क्या वाव वाली फील आ रही है यार। रात में कोई या नाव वाव नहीं थी, अब देखो कितनी नाव, कितनी भीड़ भाड़ आ गई है, देखो कितनी भीड़ चल रही है। रात का सुख ये तो रहता है, कम जनता मिलती है, बट दिन का मजा है भाई साहब। व्यू देखो कितना बेहतरीन आ रहा है। चलो अब नहाते धोते हैं अपना आराम से, देखते हैं। देखो दुनिया नहा रही है भाई, दुनिया देख रहे हो। ये 15 Pro Max होता तो इस भाई का पूरा आपको चेहरा तक दिख जाता, कौन क्या नहा रहा है, और इतने बड़े फ़ोन को संभालेगा कौन। इसलिए भैया मुझे तो प्रो लेवल ही पसंद है। और आप लोग बताओ, आपको क्वालिटी इस फ़ोन की तगड़ी लग रही है, मस्त लग रही है। फिर आईफोन का वैसे कुछ बदलता नहीं है सॉफ्टवेयर वाइज, मुझे तो कुछ फील होता नहीं है, तो साइज़ वाइज सब कुछ सेम ही है। स्टिल अगर इफ़ यू कैन फील लिटिल लिटिल भी डिफरेंस तो टेल मी, ओके भाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करा। स्नान कर लिया नर्मदा में, मैंने अपने लिए नहीं ली थी, बट मैंने ये ली थी। मैं महाकाल वगैरह मतलब पहनना नहीं करता, पर ये छोड़ रहा हूँ मैं तो, ये मेरे को छोटी हो गई। ये मैंने ली थी, ये इसको ठीक आ गई। चलो कोई नहीं मामा, के बराबर केन में यूं ही फायदा रहे। और भाई तुम भी अपनी शक्ल दिखाओ भाई, मस्त माँ भाई। इतना ठंडा पानी मतलब है, पर एक बार नहा लेते फिर स्वास्थ्य सही आ जाता है भाई। भाई स्नान करने के बाद अब चलते हैं दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर के। मामा को स्नैपचैटर। भाई अब जा रहे दर्शन करने दोबारा से, व्यू देखो भाई। भाई ये देखो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सोमनाथ महाराज। ये देखो सारे वैद्यनाथ, भीमा शंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ महादेव बहुत है। अब आगे मंदिर में दर्शन करके आते हैं भाई आराम से। अरे भाई आप खड़े हो जाइए, आप निकाल देते हैं।
भाई ये मंदिर हमारे इतने बेहतरीन दर्शन करवाए हैं भाई साहब ने, बस पूछो मत, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। नहीं 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 भाई, वो तो हमारा फर्ज था। वो तो भाई ये मेन मंदिर में खड़े हम लोग, और ये कब के बहुत मंदिर टाइम का जब से ही है ये, अरे कहीं नहीं जाते। और आजकल कोलम सरिये वरिये दे के बनाते हैं, बिल्कुल प्राचीन टाइम के ही है ये। हमारे साथ हैं इनके जो ग्रैंड फादर थे वो राजा थे यहाँ के जी, और अभी प्रेजेंट में मेरे फादर भी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा जी, अभी तो भाई भोग का समय है, हमने जल चढ़ा दिए, बहुत मतलब क्या दर्शन हुए हैं, बहुत बहुत लाजवाब मजा आ गया। भाई साहब इतने अच्छे दर्शन हुए लाजवाब जिससे कहते हैं ना। अभी हम भाइयों के साथ जा रहे हैं शंकराचार्य जी की, यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति बनी है, देखा ना आपने महाकाल लोक उज्जैन में, सेम वैसा बनेगा पूरा। अच्छा भाई शंकराचार्य जी की मूर्ति देखो, पूरी मेटल की है भाई, ये पूरा प्रोजेक्ट है 2100 करोड़ रुपए, और भाई बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े मतलब आपको कैमरे में नहीं दिखेंगे। 108 फीट की मूर्ति है, और अभी यहाँ पूरा कॉरिडोर और बनेगा, जैसे महाकाल लोक जो था ना वैसा ही सेम बनेगा। पूरा पहाड़ जैसा वहाँ तक का था, ये पूरा पहाड़ था। अच्छा पहाड़ काटा है ये, पूरा पहाड़ काटा है। भाई अभी जिस मंदिर पर हम खड़े ना, पहले यहाँ पे फ्यूचर दिख जाता था, जो अंदर शिवलिंग है ना उसमें जैसे कोई भी खड़ा होता था तो अपना पहले दिख जाता था नेक्स्ट जन्म में आप क्या बनोगे, नहीं पिछले जन्म में क्या थे, और क्या हो, क्या बनोगे, अगले में क्या बनोगे। फिर कोई तो आया, फिर उनको सुअर दिखा अपने आप का, तो उन्होंने जला दिया। ऐसे करके कुछ हिस्ट्री है भाई, इंडियन हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है भाई, बहुत बहुत बढ़िया है। अब जितना डीपली जाओगे उतना आपको देखने को मिलेगा भाई। अब घूमने फिरने के बाद अब टाइम आ गया है पेट पूजा करने का, अब आए हैं यहाँ पे मस्त रेस्टोरेंट में। बालक हो, बालक का तो ये है शेर, शेर चीता ही कहते हैं। तो भाई बहुत अच्छा खाना पीना करके अब वक्त आ गया है भाइयों को अलविदा बोलने का। राघवेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भाई इतने अच्छे दर्शन, इतना अच्छा लंच। ओके भाई जी, ओके भाई भाई, पता यही एक कमाया हमने कि कहीं भी देश दुनिया में चले जाएं भाईचारा ऐसा मिल जाता है ना। भोलेनाथ फिर बुलाएंगे, जरूर आएंगे, भाइयों को याद करेंगे आएंगे। ठीक है जी, चलो चलते हैं, 15-18 घंटे का सफर है। थैंक यू भाई, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो भाई इस ब्यूटी को छोड़ के जाने का अब समय आ गया है, ये नर्मदा रिवर, टाटा बाय बाय। घर का मैप 15 घंटे, सुबह 7:14 सीरियसली, अरे मुझे लगे शाम के 7:14 होंगे तो क्या ही दिक्कत थी भाई। अभी हम आ गए इंदौर, इंदौर में भी मेट्रो है यार, तो तगड़ा ही कोई शहर है यार। अब इंदौर में भीतर क्यों घुसे हैं हम लोग, आपको पता, आप जो इंदौर के होंगे पता होगा, अभी बताता हूँ एक मिनट, रूम वूम में जाके आपको बताता हूँ इसका पूरा रीजन, एकदम से क्या चेंज हुआ है, फ्लिप हो गया पूरा सीन। तो ये ला पिनोज के पिजामे भी इंदौर में है भाई, रूम वूम ले लिया हमने, भी आपको पूरा दिखाता हूँ। मुझे तो इतना पसंद आ गए ना ला पिनोज के, ये बड़े बड़े से पिज्जा के स्लाइसेस, मजा बैठ जाता है भाई। ये पिज्जा की स्लाइस ही दाल अनियन मखनीजन क्या नाम है, मस्त है यार ये। वो दोनों तो पता नहीं कहाँ भाग गए, आकाश अब है, मैं कहा मैं और मामा के ही खा लेते हैं, और तो क्या। जैसे भाई बोले कि नहीं चल रहा है भाई। चलो भाई रात में अब आपको यहाँ का इंदौर का सफारा बाजार दिखा देते, सराफा सराफा सफारा क्या है, 11-12 बजे खुलता बताया वो, कोई खाने पीने का मतलब, हमने डिनर भी नहीं किया है, हमने सोचा फिर वहीं कर लेंगे, आ जाओ जी।
कर। भैया कोई कह देगा ये बज रहे हैं रात के 12:30। आपके सब्सक्राइबर देखो भाई, हमारे सब्सक्राइबर भाई हमको सफारा में मिल गए, इनका पीछा करते हुए हम आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई मैं तो ये दिखा रहा था, मार्केट देखो कितनी अच्छी, कितने बजे तक खुलती है भाई ये? ये 3-4 बजे तक चलती है। यही 12 बजे स्टार्ट होती है, काफी गुड है भाई, इसे लगी नहीं रहा इतना इतना 12:30 बज रहे हो। तो सोने के लिए बनी होती है यहाँ पे राज जगह। तो भाई यहाँ खाने खाने का सौदा रहता है, मतलब सारा कुछ खाने का कुछ भी खा लो। तो भैया पहले कुल्लड़ पिज्जा ट्राई कर रहे हैं, इसका नाम बहुत सुना सा है, कुल्लड़ पिज्जा जरा खा के देख ही लेते कैसा टेस्ट होता है। 180 रुपए का दे रहा है भाई, 180 काफी एक्सपेंसिव, बट चलो ट्राई करने में क्या है। भैया इंदौर में लोगों पे सोने का काम नहीं है क्या? देखना ये कितनी भीड़ है यार, 1 बज गए रात के भाई, घर नहीं खाते नाइट आउट तो बजे देने यार भाई, यार महंगा बहुत है बट टेस्ट भी काफी अच्छा। हमने जो ये लिया है कौन चीज है, सभी के नर भर के जबरदस्ती खा रहा है। 120 रुपए आ गया पर वर्थ है भाई, है भी 120 रुपए आ गया बट टेस्ट बहुत अच्छा है भाई, गरम है। हमारा मित्र आकाश 12 फ्लेवर में आई लव पानी पूरी ट्राई करते हुए ये देखिए दबा के अब है आदम और आकाश फवारे लगे बने। मामा का स्नैपचैट चलाता हुआ एज ऑलवेज पकड़ा गया आज। भैया इंदौर में तो देखो BF स्पेशल पिज्जा, BF स्पेशल पिज्जा, क्या क्या पिज्जा मिल रहे हैं भाई। अभी एक दुकान पर हमने मोमोज खाए, हर जगह का टेस्ट सेम नहीं होता, ये लिए हमने इतना गंदा टेस्ट, ये तेल कितना बासा है, हेल्थ सबसे ऊपर भाई है क्या भाई। अब देखो क्या करे आज आदमी, वेस्ट नहीं करते, गरीब कोई गरीब की हेल्थ खराब हो जाए गंदा खा के, बताइए हम भाई यार। लास्ट ट्राई ये करके फिर चलते हैं होटल अपना। लो भैया और ट्राई करो कहा यू पोटैटो, पोटैटो नई चीज चली मार्केट में। अब मेन क्वेश्चन आता है भाई खा पी के आने के बाद, भाई इंदौर रुके क्यों हो तुम लोग, तुम तो सीधे निकलने वाले थे ना, 15 घंटे का रास्ता था इंदौर से ओमकारेश्वर, भाई ज्यादा नहीं 50-60 किलोमीटर दूर ही है, वहीं पे स्टे ले लिया, 2 रूम ले लिए हमने, मैं और मामा का एक जगह सो रहे हैं, ये एक जगह सो रहे हैं। तो भाई साहब बात ऐसी है कि मन नहीं कर रहा घर जाने का बिल्कुल भी, कतई भी, हम हैं मुसाफिर। तो भाई उसको मेन चैनल पे आप देखना आखिर पूरी स्टोरी क्या है, इतने दिन से पहले ही बाहर हैं हम, फिर ऐसे रुक गए हैं और क्या चल रहा है, वो आपको सरप्राइज मिलेगा। कल की वीडियो का वेट करो, 9 PM आपको दिखेगा मेन चैनल पे, वो चीज़ मेन चैनल पे डिजर्व करते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब सो रहे हैं आकाश, अब तो सो गए अपने कमरे में, इंदौर में मिल गए भाई बढ़िया रूम है, 1000-1000 रुपये के 2 रूम ले लिए हमने, बहुत प्यारा रूम है, सफार सराप यार क्या नाम है वो मार्केट भाई, वो कह रहे हैं ना 12 बजे से स्टार्ट होते, 12 से स्टार्ट नहीं होती भाई, वो मेरे ख्याल से 9 बजे से लग जाती है, और 2 बजे हम जब आए थे ना, 1:30 बजे हम आ गए थे वहाँ से, तो वह तो रेडी से उठने लग गई थी, वहाँ से रेडी रहती है मतलब मेन तो सारी दुकानों के आगे से, दुकान दिन में दुकान चलते उनके आगे रेडी लगा लेते हैं, ऑब्वियसली किराया देते हैं उनको भी, ऐसी कोई भी नहीं लगा सकता क्योंकि लाइट वाइट यूज़ करते हैं। मैंने पूछा था ये सब एक बंदे से, तो मतलब ठीक है ऐसे रात काली करनी है, रात जगानी है, तो उस हिसाब से अच्छी मार्केट आप भी विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करेंगे भैया अपनी अरुण पवार एंट्री पे सीरीज़ को, कल से मेन चैनल पर मिलेंगे, बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव, दर्शन करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।